बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू, मंदिरों पर हमले के बाद उपद्रवियों ने जलाए 65 हिंदू घर। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं पड़ रही हैं। हिंदू मंदिरों और श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमले के बाद अब हिंदुओं के घरों में आग लगाने का मामला सामने आया है। यहां के रंगपुर जिले में पीरगंज उपजिला में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कुछ लोगों ने हिंदू समुदायों के घरों में आग लगा दी। इसमें 20 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। इस घटना को पीरगंज में रामनाथपुर यूनियन में माझीपारा इलाके में रविवार शाम को अंजाम दिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश हिंदू यूनिट काउंसिल ने ट्वीट कर लिखा कि रंगपुर के पीरगंज में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, देश भर में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। यूनियन परिषद के चेयरमैन मोहम्मद सदीकुल इस्लाम ने बताया कि उपद्रवियों ने 65 घरों में आग लगाई थी। आगजनी करने वाले लोग स्थानीय संस्था जमाते इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर के सदस्य थे। पुलिस के मुताबिक एक हिंदू व्यक्ति ने फेसबुक पर धर्म को लेकर अपमानजनक पोस्ट किया, जिसके बाद दंगा भड़क गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई वारदातों के बाद देश के दो बड़े मंत्रियों ने दो अलग मौकों पर बयान दिए। गृहमंत्री असदुजमन खान ने रविवार को कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों पर जो हमले हुए वे प्री प्लान थे और साजिश के तहत किए गए थे। वहीं सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन ने कहा कि इस्लाम देश का धर्म नहीं है। असदुजमन खान ने मंदिरों पर हमले को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य बांग्लादेश में सांप्रदायिक शांति को खत्म करना है। सबसे पहले बुधवार को कोमिला में हिंदू मंदिर में लोगों पर हमला किया गया, इसके बाद सैकड़ों ज्ञात और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक कोमिला हमला क्यों हुआ ये पूछने पर मंत्री ने कहा कि जैसे ही हमें सारे सबूत मिल जाएंगे हम इन्हें सार्वजनिक करेंगे और सभी दोषियों को दंड देंगे। दोस्तों, वही बांग्लादेश के सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन ने कहा कि बांग्लादेश एक सेक्युलर राष्ट्र है और हम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बनाए हुए 1972 वाले संविधान की ओर लौटेंगे। बांग्लादेश कभी भी धार्मिक कट्टरपंथियों की पनाहगाह नहीं हो सकता। हालांकि ये बयान उन्होंने मंदिरों पर हमले के संदर्भ में नहीं दिया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे शेख रसल के 57वें जन्मदिन पर इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस्लाम हमारे देश का धर्म है। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का लहू बह रहा है। किसी भी कीमत पर हमें 1972 के संविधान पर लौटना होगा। मैं संसद में ये बात उठाऊंगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में ये बिल संसद में पास करवाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 13 अक्टूबर से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले 13 अक्टूबर से शुरू हुए, जब अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर कई पूजा मंडपों में तोड़फोड़ हुई। चिटगांव में कोमिला इलाके में दुर्गा पंडालों पर हुए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई थी। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी थी कि पूजा पंडाल में कुरान मिली है, जिसके बाद कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। चांदपुर, चिटगांव, गाजीपुर, बंदरबन, चपाई नवाबगंज और मौलवी नगर की कई पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की गई थी। दोस्तों, शुक्रवार को भीड़ ने नावखली में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर की समिति ने यह दावा भी किया कि 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन के एक सदस्य पार्थ दास को बेरहमी से मार डाला, जिसका शव मंदिर के पास वाले तालाब में मिला। शुक्रवार को नावखली जिले में ही बेगमगंज इलाके में जतन कुमार साहा नाम के एक शख्स को मार डाला गया, जबकि 17 लोग घायल हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और हिंदुओं के घरों पर हमले जारी हैं। पहले हिंदू मंदिरों और अब उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।